नाम राजवीर। मेरा नाम ऋषभ सिंह हुआ। ऋषभ जी, 24 तारीख को आप क्रिकेट अकेडमी से जो आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको क्या कर रहे हैं आप, किस प्रकार प्लान होगा आपका? देखिए, इसका ये टूर्नामेंट का नाम बिलीव चैलेंजर ट्रॉफी है, जिसमें हम मतलब कि बच्चों को, जो बच्चे छोटे छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, जो टूर्नामेंट खेलने के मतलब कि लायक हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा है, तो हमारा मतलब कि एम है कि जो बच्चे मतलब कि हमारे माध्यम से अच्छा करना चाहते हैं, वो मतलब कि ये आके अपना टैलेंट को दिखा सके, हम उनको मंच दे रहे हैं। ये कब होगा, कहाँ पर होगा? ये आपका 24 अप्रैल को, ये क्या बोलते हैं, गुड़गांव में रिपोर्ट करना है। 25 अप्रैल से मैचेज स्टार्ट है। कितने मैचेस होंगे इसके? पर टीम का मतलब कि लीग का 3 मैच होगा, जो टीम क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल और फाइनल खेलती है, तो उनका टोटल 6 मैचेज होंगे। इसमें 3 मैच आपका लीग का होगा और बाकी सेमीफाइनल और फाइनल नाइट होंगे। कितने लीग इसमें चलेंगे मैच? इसमें टोटल 3 लीग मैचेज हैं। कौन कौन से लीग होंगे? एज इसमें है 14 से लेके 25 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सर, एज जब 14 से 25 की आपने एज बताई है, तो कैसे स्कूल से बच्चे होंगे, आप एकेडमी बच्चे होंगे, ऐसे कॉलेज से चुनिंदा बच्चे ही होंगे? नहीं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जो टेनिस भी खेलते हैं, टेनिस में टैलेंटेड हैं, या फिर स्कूली गेम में खेलते एकेडमी नहीं जा पाते हैं, या फिर जो एकेडमी के बच्चे हैं एकेडमी, वो भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंट्री किस प्रकार ले सकते हैं? एंट्री में हमारा एक बिलीव चैलेंजर ट्रॉफी .com करके गूगल पे फॉर्म आता है, उसको मतलब कि फॉर्म फिल करना होता है। जो बच्चा फॉर्म फिल करता है उसका हम उसको मतलब उसका हिस्ट्री चेक करते हैं कि क्या प्लेयर है, क्या खेलता है, इसके बारे में पूरा डिटेल मतलब कि पता करके फिर उसका मतलब कि एंट्री फीस क्या रखी हुई है? इसकी एंट्री फीस देखिए, हमारे मतलब कि मैंने नॉर्मल जो रहने का और खाने का जो चार्ज है बस हमने ये लिया, ना तो उनसे मैच फी चार्ज कर रहे हैं, ना तो कोई और भी जो चार्जेस होते हैं वो हम बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो आपने स्पोर्ट्स रखा है सर, बच्चे कहाँ कहाँ से आएंगे, रहने का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार किया गया? रहने के लिए हमने एक नॉर्मल जैसे कि ये पीजी टाइप का होता है, उस तरह का हमने कर रखा है, जिसमें बच्चों को 3 टाइम खाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, मैचेस दिए जाएंगे, जो भी ड्रेस दिए जाएंगे, जो बच्चे इसमें आएंगे उनको मैच कन्फर्म खेलने के लिए, ऐसा नहीं कि हम बुला कर आपको मैच ना दें, मैच कन्फर्म हम आपको देंगे। कितने मैचेस टोटल होंगे? टोटल मैचेज आपको फाइनल तक 6 मैचेज होंगे। पर टीम के नहीं, जो फाइनल खेलती है वो, ऐसे तो 3 लीग का आपका 3 मैच कन्फर्म मिलेगा आपको। ओके, बात करें जो मैचेस आप खिलवा रहे हैं, जो अभी कहाँ तक ये, जैसे अभी फिलहाल गुड़गांव स्टार्ट किया, तो कहाँ कहाँ तक आपका प्लान है? मेरा प्लान है कि हम हो सके तो ऑल ओवर इंडिया में, मतलब कि अभी तो मैंने दिल्ली में शुरू किया है, ठीक है, दिल्ली NCR में शुरू किया है। मेरा एम है कि बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, सभी जगह मतलब कि स्टेट बाई स्टेट हो, मतलब कि बच्चों को ट्रैवल ना करना पड़े। ट्रैवल करना कब पड़े? कब? जब वो मतलब अपने स्टेट में परफॉर्म करे, उसके बाद हम उनको डायरेक्ट वहीं से उठा के डायरेक्ट हम अपने एकेडमी में, अपने एकेडमी के द्वारा उनको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बेस्ट टूर्नामेंट होते हैं वो हम उनको खिलाएं। बात करें स्पोर्ट्स, आपने मैच के लिए दिल्ली के बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, मैच के जो प्राइजेस रखा हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट प्राइजेस होता है, तो क्या क्या प्राइजेस किस पेज पर रखा हुआ है? देखिए, जो मतलब कि बच्चे इस टूर्नामेंट के दौरान जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको हमारी एकेडमी, नेशनल यूथ क्रिकेट सेंटर और नेशनल गुरुकुल क्रिकेट सेंटर, वो 2 साल के लिए मुफ्त में ट्रेनिंग देगी, ठीक है। उसमें क्रिकेट किट होता है जो फुल स्पॉन्सरशिप दिलवाएंगे, जो कि आपको 2 साल में 4 बार दिया जाएगा, जो कि क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए मेन चीज़ वही है, क्रिकेट का पार्ट। फिर प्लस जो हमारे तरफ से जो भी स्पॉन्सर हैं उनके द्वारा उनको कैश तौर पर जो मतलब कि मदद किया जाएगा, वही है मेरा मेन जो आपने रखा है, मेन किस किस पर फर्स्ट प्राइज रखे हैं, सेकंड प्राइज, मेन मैंने क्या रखा है? जैसे कि जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा स्कोर करता है, जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, मतलब कि इसी तरह से जो मतलब मैच और मैच सीरीज में जो फर्स्ट सेंग किस प्रकार निकल जाएगा आपका? जैसे कि मैन ऑफ द मैच, तो जो मतलब कि जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म होता है, जो मैन ऑफ द, ऑब्वियसली जो मैन ऑफ द मैच बनता है वो क्रिक हीरो जी शो कर देता है, जिसपे लाइव आप स्कोरिंग करें वही शो कर देता है, हम लोग को कुछ देना नहीं होता, वो खुद बता देगा कि आप क्या परफॉर्म किए हो क्या नहीं किए हो, तो वो खुद बता देगा। 14 से 25 साल के कितने बच्चे इसमें स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं? इसमें टोटल ऑल ओवर इंडिया से 172 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आपका ये है कि झारखंड से स्टेट प्लेयर हैं, राजस्थान से स्टेट प्लेयर हैं, बिहार से भी कोई स्टेट प्लेयर है, मतलब कि मतलब बच्चे इंटरेस्टेड हैं। दिल्ली के भी 5-6 लोकल स्टेट प्लेयर हैं, हरियाणा के 1-2 प्लेयर स्टेट खेले हुए हैं, वो भी पार्टिसिपेट। जो एज है वो किस पर, एज का जो जैसे कि डिफाइन किस पर, फर्स्ट सेकंड प्राइज करने के लिए, जैसे कि हमने सभी एक्सपीरियंस, जैसे कि हमने जो फॉर्म है उसमें एज लिखवाया है, आपका आपने जैसे हमने एज बता रही है, जैसे 14 से 25 साल तक की है, उसमें फर्स्ट सेकंड प्राइज निकालना, ट्रॉफीज निकालना, किस प्रकार कैसे सर मैनेज करना? जैसे कि जो मतलब कि आपका लीग हुआ, लीग के दौरान जो टीम मतलब कि आई सबसे अच्छा करके, तो वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, फिर सेमीफाइनल में जो मतलब कि परफॉर्म, मतलब सेमीफाइनल ऑब्वियसली जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा, ऑब्वियसली 2 टीम में से जो फाइनल जीतेगी वो चैंपियन करेगी,
उसमें से हम जो चैंपियन टीम होगी उसमें से हम 5 प्लेयर को अपने एकेडमी में मतलब कि देंगे स्कॉलरशिप ऐसा। और बाकी हो गया मेन सब चीज़ें वैसे मेडिकल को लेकर मेन इशू आता है कि मेडिकल्स को लेकर क्या क्या बेनिफिट्स क्या क्या अपने प्राप्त किए। मेडिकल के लिए देखिए नॉर्मल जो बच्चे को चोट उट लगता है तो हमारा मतलब कि एक है वहीं का लोकल जो हॉस्पिटल है वो हमारी मदद कर रही है, ठीक है। और बाकी देखिए अब जो भी हो जाए मतलब ये बच्चों को नॉर्मल जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी अब ऊपर वाले के हाथ में अब कुछ भी हो गया तो फिर ये तो हम जिम्मा नहीं ले सकते। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।